दशकों से गैर बराबरी शोषणकारी और विकास विरोधी भूमि कानूनों ने जम्मू कश्मीर के आम आदमी की प्रगति को रोक रखा। पिछले दो वर्षों में लैंड रिफॉर्म के द्वारा भूस्वामियों को ताकतवर बनाने की कोशिश की गई। जिन भूमाफियाओं और रसूखदारों ने कानून का दुरुपयोग करते हुए सरकारी जमीन पर अवैध कब्जा जमाया है, उनके खिलाफ विधि सम्मत कार्रवाई की जा रही है। किसी भी कानून को लागू करने में मानवीय संवेदना प्रशासन की सर्वोच्च प्राथमिकता है। हम यह सुनिश्चित करेंगे कि अवैध कब्जा हटाने के इस अभियान में आम आदमी और गरीब तबके के हित सुरक्षित रहें और उन्हें किसी प्रकार की कोई तकलीफ न हो। तीन भाषाओं में लैंड पासबुक जारी कर भ्रष्टाचार पर अंकुश लगाने में हमें सफलता मिली है। अभी तक 28 लाख लैंड पासबुक वितरित किए जा चुके हैं। 4 लाख लैंड पासबुक और जल्द ही वितरित करने में हमें सफलता मिलेगी। भाषा की सीमा की वजह से जिन रिकॉर्ड्स में फेरबदल की संभावना थी, उसे समाप्त करने के लिए रिकॉर्ड्स को डीमिस्टिफाई किया गया है। आपकी जमीन आपकी निगरानी के माध्यम से आम नागरिक अब मात्र एक क्लिक द्वारा अपने लैंड रिकॉर्ड्स देख सकता है। ऑनलाइन रेवेन्यू सर्विसेज द्वारा ह्यूमन इंटरफेस को कम करने की कोशिश की जा रही है। भूमि उपयोग कानूनों में बदलाव के द्वारा जहां एक तरफ किसानों के हितों की रक्षा की गई है, वहीं दूसरी तरफ यह सुनिश्चित किया गया कि लोगों को अपनी ज़मीन की अच्छी कीमत मिले। प्रशासन पूरी संवेदनशीलता से कश्मीरी पंडित भाई बहनों की समस्याओं का समाधान करने की कोशिश कर रहा है। हमारे कश्मीरी पंडित भाई सुरक्षित रहें, ये हमारी सर्वोच्च प्राथमिकता है। कश्मीर घाटी में सभी पीएम पैकेज कर्मचारियों को सुरक्षित जगहों पर तैनात किया गया है। उनकी सुरक्षा एवं अन्य समस्याओं के समाधान के लिए हर जिले में तथा राजभवन एक नोडल ऑफिसर नियुक्त किया गया है। लंबे समय तक उनके आवास को जमीन नहीं मिलती थी, पद नहीं भरे जाते थे, उसे भी हल किया गया है। जमीन आवंटित कर दी गई है। दो को छोड़ करके शेष स्थानों पर काम शुरू हो गया। 1200 घर अप्रैल माह में और 1800 घर दिसंबर तक हम देने जा रहे हैं। 20 तारीख को अभी जेवन श्रीनगर में एक अन्य बड़ी आवासीय कॉलोनी का शिलान्यास श्रीनगर में किया गया, जिससे श्रीनगर में काम कर रहे कर्मचारियों की समस्याओं का समाधान हो सके। लंबे समय से पीएम पैकेज के कर्मचारियों में प्रमोशन नहीं हुआ था। सभी पेंडिंग प्रमोशन कर दिए गए हैं। नॉन गजटेड से गजटेड श्रेणी के प्रमोशन की प्रक्रिया भी लगभग अंतिम चरण में है। मैं कहना चाहता हूं कि 1990 के दशक में जिन कश्मीरी पंडित भाइयों की प्रॉपर्टी पर अवैध कब्जा किया गया था, जिन्हें दबाव डालकर अपने जमीन बेचने के लिए मजबूर किया गया था, उन्हें न्याय दिलाया जा रहा है। एक वर्ष में कश्मीरी माइग्रेंट पोर्टल पर 8408 एप्लीकेशन आई हैं, 6336 पर कार्रवाई की गई है और 2700 कैनाल जमीन कब्जे से मुक्त कराकर कश्मीरी पंडित भाइयों को सौंपी गई है। मैं कहना चाहता हूं कि पीएम पैकेज के जो इम्प्लाई हैं, कश्मीरी माइग्रेंट हैं, उनके साथ हमारा प्रशासन पूरी संवेदनशीलता के साथ उनकी समस्याओं का समाधान करना चाहता है। कुछ और भी हमारे भाई हैं जम्मू के जो वहाँ काम करते हैं, मैं उनसे भी कहना चाहता हूँ कि आप की सुरक्षा हमारी सर्वोच्च प्राथमिकता है और बातचीत में हमने आपको जो बात कही थी, मुझे लगता है कि आपको भरोसा रखना चाहिए। आइए जम्मू कश्मीर प्रशासन के साथ मिलकर के आप काम करिए। जम्मू कश्मीर अब हर क्षेत्र में नंबर वन बनने की तरफ तेज़ी से अग्रसर है। सुरक्षा एजेंसियों के प्रयासों से जम्मू कश्मीर में आतंकवादी घटनाओं में काफ़ी कमी आई है। जम्मू कश्मीर के बहादुर पुलिस जवानों और अधिकारियों ने सुरक्षा ग्रिड को काफ़ी मजबूत बनाया है। आर्मी और CAPF के हमारे सहयोगी भी इसमें अपना पूरा सहयोग कर रहे हैं। पिछले साल 180 आतंकवादियों का सफाया करने में सुरक्षा बलों को सफलता मिली है। टेररिज्म का वित्त पोषण और सपोर्ट करने वाले इकोसिस्टम पर कड़ा प्रहार किया जा रहा है। सिविलियन किलिंग में 55% तथा सुरक्षा बलों की शहादत में 58% की कमी आई है। नार्को टेरर के केसेस में भी सीजर और गिरफ्तारियां बढ़ी हैं। बैक टू विलेज अभियान के दौरान अनेक पंचायतों को चिन्हित कर नशा मुक्त जम्मू कश्मीर का अभियान चलाया जा रहा है। मैं उन्हें दोषी नहीं मानता जो नशे की गिरफ्त में है, बल्कि दोषी वे हैं जो मौत के इस कारोबार द्वारा समाज को और पूरी पीढ़ी को अपाहिज बनाने की कोशिश कर रहे हैं। नशे के सौदागरों को कड़ी से कड़ी सजा देने तथा नशे के आदि युवाओं के पुनर्वास के लिए जम्मू कश्मीर प्रशासन पूरी तरह से प्रतिबद्ध है।